दो दिवसीय दौरे पर शनिवार को अपने गृह जनपद पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रविवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का ताबड़तोड़ दौरा किया और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को राशन किट का वितरण किया। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खोराबार ब्लॉक में ग्राम बेलवार कौड़ीराम ब्लॉक के सर्वोदय इंटर कॉलेज तथा गोला तहसील के VSAV इंटर कॉलेज में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत किट का वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, देश और प्रदेश की सरकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों पर नजर बनाए हुए है। सभी बाढ़ प्रभावित लोगों को राशन राहत किट का वितरण किया जा रहा है जिसे लोग अपना जीवन यापन कर सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पशुओं के चारा की भी व्यवस्था की गई है और बीमारियों के फैलने पर रोक लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है। इसके अलावा सरकार हर संभव मदद कर रही है जिससे लोगों को राहत मिल सके। लेकिन रेगुलेटर ने
अच्छा वहां पे काम किया, विधायक की उसकी निरंतर निगरानी करते रहे और अब राहत कार्यों को तेजी के साथ में यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। कल मैंने इस पूरे क्षेत्र की निर्माण हवाई सर्वेक्षण भी किया था और मैं एक गांव को देख रहा था, लेकिन आज विधायक ने कहा कि एक बार जनता के बीच में ही चल करके उनको राहत सामग्री वहां पर उनके सामने बांध दी जाए और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हर पीड़ित और प्रभावित परिवार को सरकार भरपूर राहत सामग्री देगी, कोई कमी नहीं होने देगी। दूसरा, सरकार ने यह भी तय किया कि अगर बाढ़ की चपेट में या बरसात की चपेट में आने से किसी का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है उसको भी हम आपकी मदद देंगे। पक्का मकान है तो 95,000 रुपए, नदी में विलीन हो जाए तो उसको एक मुख्यमंत्री आवास योजना में नया आवास देंगे। फसल का नुकसान हुआ है उसका भी मुआवजा उपलब्ध कराएंगे। पशुधन भैंस गाय बकरी मुर्गी कोई भी मर जाए, बाढ़ के कारण चपेट में आ जाए, उन सबको भी हम लोग उसका भी मुआवजा देंगे। साथ साथ बरसात के कारण सांप बिच्छू जंगली जानवर कुत्तों के काटने की शिकायतें आती तो उसके लिए इंजेक्शन और टीका पहले से ही हर जिले में पर्याप्त मात्रा में भेज दिया गया है। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की गई है। इस समय बरसात का पानी पीने लायक नहीं और कैसे पानी उबाल करके ही आप पिए, अगर उबालने में समस्या है तो क्लोरीन की गोलियां पानी जा रही है उसको पानी में डाल करके फिर छान करके उस पानी को ही आप पीजिए। इससे हर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, बच्चे स्वस्थ रहेंगे, डायरिया हैजा इन सब से बचने में मदद मिलेगी। आज से विशेष कार्यक्रम चल रहा है, मैं चाहूंगा विधायक जी से भी प्रमुख जी को भी जिला पंचायत के सभी सदस्यों को क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को ग्राम प्रधानों को और जनता जनार्दन से भी आप सभी लोग उस अभियान के साथ जुड़े जिसमें अगर हमें डेंगू से मलेरिया से मस्तिष्क ज्वर से कालाजार चिकनगुनिया इन सभी बीमारियों से बचना है तो हमें साफ सफाई और जल जमाव से मुक्ति देनी पड़ेगी। साफ सफाई पर से ध्यान रखना होगा, जहां गंदगी की गंदगी होगी वहां बीमारी जरूर होगी और गंदगी और बीमारी से बचाव के लिए आवश्यक है। आज से एक कार्यक्रम चल रहा है एक सप्ताह का, आज से लेकर के 12 तक चलेगा और मैं चाहूंगा कि हम सब का संकल्प होना चाहिए कि सफाई हो, हर व्यक्ति स्वस्थ हो। इसके बाद एक छिड़काव भी होगा, फॉगिंग भी होगी, अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रम चलेंगे। सभी लोग उसके साथ जुड़े, अपने अपने ग्राम पंचायत को ग्राम प्रधान वाले कार्यक्रम के साथ जोड़ लें, क्षेत्र पंचायत की सदस्यगण भी उनके साथ सहयोग कर लें, जिला पंचायत के लोग भी इस अभियान के साथ जुड़े, ब्लॉक प्रमुख और विधायक सभी लोग इस कार्यक्रम को सफल बना देंगे तो हम लोग जैसे कोरोना को नियंत्रित किए हैं ऐसे ही हम लोग डेंगू मलेरिया मस्तिष्क ज्वर तमाम बीमारियों को भी रोकने में हमें मदद मिल जाएगी। मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि किसी भी पीड़ित को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने प्रशासन से कह दिया है कि जितने भी बाढ़ से घिरे हुए गांव हैं अगले 3-4 दिन के अंदर उन सबको राहत के पैकेट मिल जाए। राहत पैकेट में 10 किलो चावल, 10 किलो आलू, 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, 5 किलो भुना चना और लाई, इसके साथ ही गुड़, मोमबत्ती, नमक, मिर्च मसाला, रिफाइंड तेल, ये सभी चीजें उपलब्ध कराई जा रही है। काफी बड़ा पैकेट हरेक पीड़ित परिवार को उपलब्ध करवाएंगे। ज्यादा तक बाढ़ और पानी की समस्या रहेगी तो इसको और फिर दूसरी बार राहत उनको उपलब्ध करवाएंगे। जो लोग अपने घरों से बाहर आ रहे हैं, टैंकों में रह रहे हैं, संग्रहालय में रह रहे हैं, उनके लिए पका पकाया भोजन कम्युनिटी किचन है, सामुदायिक किचन के नाम
माध्यम से उनको एक भोजन मिले, इसकी व्यवस्था की जा रही है। बाढ़ की अस्थायी समाधान की दिशा में सरकार बढ़ रही है, जिसका स्थायी समाधान होना चाहिए और स्थायी समाधान की दिशा में नदियों को ड्रेजिंग करके चैनलाइज करना, बाढ़ से कटान के लिए संवेदनशील क्षेत्रों को बॉर्डर से ब्लीचिंग करके नए पोकर नए अवरोधक लगा करके नदी को डाइवर्ट करना, नदी की गहराई करना और भी जो उपाय हो सकते हैं, रिंग बांध जहां आवश्यकता होगी वहां रिंग बांध करेंगे, जहां नए प्रबंध बनाने की आवश्यकता होगी वहां कार्य भी करेंगे, लेकिन जनता जनार्दन को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे। यही प्रधानमंत्री जी की मंशा है और यही सरकार की मंशा है। आज हम लोग इसीलिए यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर गोरखपुर जिले में 304 गांव बाढ़ से पूरी तरह पूरी तरह घिरे हैं, जिसमें सरकार ने राहत और बचाव के लिए 405 नाव और 50 स्टीमर लगाए हैं, 50 नए स्टीमर और लगाने की तैयारी हो गई है, जिससे बचाव और राहत को तेजी के साथ आगे बढ़ा सके। एनडीआरएफ एसडीआरएफ बीएसी की जो बाढ़ यूनिट होती है सभी लोग बचाव राहत कार्य में लगे हैं, सभी जनप्रतिनिधि यानी सांसद विधायक सभी लोग जनता की सेवा में समर्पित होकर के कार्य कर रहे हैं। आप सभी स्वस्थ और सुखी रहे, यही कामना के लिए मैं आपके बीच में यहाँ पर आया हूँ। आप सबकी प्रतिदिन शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। हम सब जानते हैं कि पिछले 15 दिनों के अंदर पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी और नेपाल में भी भारी बारिश के कारण सभी नदियां खतरे के निशान से कई ज्यादा ऊपर बह रही थी। खासतौर पर गोरखपुर में राप्ती नदी लगभग 2.5 मीटर खतरे के निशान से 2.5 मीटर ऊपर बह रही थी, जिसके कारण आमी नदी, क्वानो, रोहिणी, गोर्रा नाला ये सभी बाढ़ से पूरी तरह एक बड़ी आबादी को अपनी चपेट में ले ली। गोरखपुर जनपद के अंदर 304 गांव की लगभग 2.25 लाख से अधिक की आबादी इस बाढ़ की चपेट में आई, उनके लिए 405 नाव और 50 से अधिक स्टीमर एनडीआरएफ एसडीआरएफ और पीएसी की फ्लड यूनिट को लगा करके यहां पर तैनात करते हुए बचाव और राहत कार्य के लिए पहले से ही लगाए गए हैं। अतिरिक्त स्टीमर भी यहां पर भेजी जा रही है, अतिरिक्त नौकाएं भी भेजी जा रही हैं। सांसद विधायकगण, जिला पंचायत के अध्यक्ष सदस्यगण, ब्लॉक प्रमुखगण, क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधानगण भी अपने अपने स्तर से शासन की व्यवस्था के अंतर्गत अपनी सेवाएं जनता जनार्दन को दे रही हैं। स्वाभाविक रूप से यह आपदा का समय है और आपदा के समय में हम सब धैर्य के साथ अगर प्रशासनिक मशीनरी का सहयोग करते हैं तो हर व्यक्ति शासन की इन योजनाओं से लाभान्वित भी होगा और साथ साथ हम बाढ़ बचाव के बेहतर उपाय भी कर पाएंगे। और इसी क्रम में मैं बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज होते हुए कल दोपहर में ही गोरखपुर में आया हूं। गोरखपुर में मैंने विभिन्न विकास खंडों का और नगरीय क्षेत्रों का भी दौरा किया है। पूरा व्यवस्था की जा रही है कि आपदा के समय में हर पीड़ित व्यक्ति तक शासन की राहत सामग्री पहुंच जाए, जिससे किसी भी पीड़ित व्यक्ति को कोई भी अपने आप को असहाय महसूस न करे। खाद्यान्न के जो पैकेट हैं, इसमें 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 2 किलो दाल, 10 किलो लाई भुजा, नमक, मसाले, रिफाइंड तेल,
ये सब तो उपलब्ध कराया ही जा रहा है, दवा भी उपलब्ध कराई जा रही है। खासतौर पर इस समय बरसाती पानी पीने से नुकसान हो सकता है, इसके लिए पानी या तो गर्म करके लोग पिए या पानी में क्लोरीन की गोली डाल करके, क्लोरीन की टैबलेट भी हर एक जगह पहुंचाई जा रही है। लेकिन जहां पर नहीं पहुंच पा रही वहां पे लोग पानी उबाल करके पिएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। इसी प्रकार से बरसात के समय सांप बिच्छू और अन्य जलीय जीवों के साथ साथ जहरीले जीवों से भी खतरा रहता है, आवारा कुत्तों से भी, जंगली जानवरों से भी, क्योंकि जगह जगह पानी भरने के कारण उनको भी ठिकाने की आवश्यकता महसूस होती है और जो भी उनके चपेटे में आता है उनको काटते हैं। इसलिए एंटी स्नेक वैनम और एंटी रेबीज वैक्सीन भी हर एक जगह भेजी गई है, जिससे किसी को भी दिक्कत न हो और अगर दुर्भाग्य से कोई ऐसी स्थिति आती है तो उनको तत्काल दवा देकर के ठीक किया जा सके, उसकी जान बचाई जा सके। आपदा के कारण अगर किसी की दुखद मौत होती है तो उसके परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध करवा लें। आपदा के कारण अगर कोई डूबने से या सांप या किसी भी जहरीले जीवों के काटने से, जंगली जानवरों के काटने से, हमला करने से किसी व्यक्ति की दुखद मृत्यु होती है, उस परिवार के लिए भी 4 लाख रुपए की सहायता का प्रावधान कर दिया गया है। हर एक व्यक्ति को इस सहायता समय पर मिले, इसका व्यवस्था की जा रही है। बाढ़ के कारण, भारी बारिश के कारण किसी का पक्का मकान टूट गया है, 95,000 रुपए की राशि उस परिवार को तत्काल उपलब्ध करवाया जा रहा है। कच्चा मकान है, क्षतिग्रस्त हुआ है, उसके लिए भी आर्थिक सहायता का प्रावधान है। नदी की चपेट में आ गया है, बाढ़ के पानी की चपेट में आकर के मकान पूरी तरह नष्ट हो गया है, मुख्यमंत्री आवास योजना में उसे आवास उपलब्ध कराने के लिए भी प्रावधान कर दिया गया, जिससे कोई भी पीड़ित अपने आप को असहाय महसूस न करे। सरकार की पूरी मंशा है कि पीड़ा के समय में आपके साथ खड़े होकर के, आपकी पीड़ा के साथ जुड़कर हरेक स्तर पर हरेक पीड़ित को मदद करना। और इसीलिए सांसद जी भी, विधायक जी भी, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग प्रशासन के साथ मिलकर के युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 3-4 दिन के अंदर राहत सामग्री जरूर पहुंच जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति वहां पर भूखो न रहे। अगर किसी का मकान पूरी तरह नदी की चपेट में आ गया है तो उसे अलग जमीन का पट्टा दें, मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तो उसके लिए आवास स्वीकृत करें, बरसाती या उसके लिए कोई सरणालय की व्यवस्था करें। जो लोग घरों से बाहर आ चुके हैं उनके लिए भोजन पैकेट, सामुदायिक किचन के माध्यम से शुद्ध भोजन की व्यवस्था उनके लिए करने की तैयारी हो। ये सभी उपाय जनता जनार्दन की सेवा के लिए ही किए गए हैं। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी की जा रही है, जो भी संभव हो पाएगा ये कार्य यहां पर करने के प्रयास हुए हैं। बांसगांव विधानसभा क्षेत्र में यहां पर हम लोगों ने बाढ़ के पहले 16 करोड़ रुपए के बचाव के जो कार्य किए, उसके कारण बाढ़ में जिस प्रकार का पानी तेज आया था, 2.5 मीटर का मतलब कौड़ी राम तक पानी का आना, लेकिन खतरे के निशान के 2.5 मीटर ऊपर तक राप्ती नदी होने के बावजूद तटबंध सुरक्षित रहे और वहां पर जान माल की हानि को रोकने में मदद मिली। रगहा अस्वन पार तटबंध, इसके अलावा अस्वन पार गहरा घाट तटबंध, भवा पार बेला तटबंध, कनेर मझगावा तटबंध और मलाव तटबंध, इन सब पर पहले से योजनाओं के लिए और जो कटान अवरोधक कार्य करने थे इन सब के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई गई, जिसके कारण सभी तटबंध सुरक्षित हो पाए और समय से किए गए प्रयासों का परिणाम रहा कि व्यापक जनधन की हानि को इस भारी बरसात में और नदियों में व्यापक पैमाने पर पानी आने के कारण रोका गया है। सरकार बाढ़ की अस्थाई समस्या का समाधान करने की ओर अग्रसर है। इसके लिए नदियों को ड्रेजिंग करके चैनलाइज करना,
नदियों की धारा जहां पर आबादी के नजदीक पहुंच चुकी है उसको डाइवर्ट करने की तैयारी करना, तटबंधों की पिचिंग का कार्य है, जहां पर आबादी को बचाने के लिए रिंग बांध बनाने की आवश्यकता पड़ेगी तो रिंग बांध आदि बनाने की व्यवस्था, ये सभी उपाय इसके साथ जोड़े गए हैं। आप सभी इस पीड़ा से उभरे, इस आपदा को धैर्यपूर्वक सामना करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था में अपना योगदान दें। सभी लोग आपके साथ जुड़कर के कार्य करेंगे। दूसरा, बाढ़ के बाद बाढ़ के पानी के जाने के साथ बीमारियों की आने के खतरे होते हैं। आज से एक अभियान चल रहा है स्वच्छता सैनिटाइजेशन फॉगिंग का, छिड़काव का। मेरी अपील होगी सभी जनप्रतिनिधियों से कि वे इस अभियान के साथ जुड़े, क्योंकि स्वच्छता तमाम प्रकार की बीमारियों को रोकने में मदद करेगी। और उस अभियान के साथ अगर हम जुड़ जाते हैं तो डेंगू को, मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर, कालाजार, चिकनगुनिया, इन सभी बीमारियों को हम रोकेंगे। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होगी, तमाम प्रकार की बीमारियां से हमें मदद मिलेगी, उसमें डायरिया, हैजा आदि से ही बचाव में मदद मिलेगी। इसलिए ये जो अभियान चल रहा है, इस अभियान को गांव से लेकर के हर एक स्तर पर, गांव हो, कस्बा हो, मोहल्ला हो, हर एक स्तर पर इस अभियान को चलाने की आवश्यकता है, जिससे हर व्यक्ति स्वस्थ और सुखी रहे। पर्व और त्योहार का आनंद तभी होगा जब स्वस्थ और सुखी हर व्यक्ति रहेगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबको आज की इस बाढ़ की आपदा के समय में अपनी संवेदना आप सबके प्रति व्यक्त करते हुए आश्वस्त करता हूं कि आप सभी लोग बाढ़ की त्रासदी से मुक्त होकर के अपने आगामी पर्व और त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ, उमंग के साथ मना सकें। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भाइयों बहनों, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बाढ़ से पीड़ित होने के बावजूद जिस धैर्य के साथ आप सभी लोग इस आपदा का सामना कर रहे हैं वह स्वागत योग्य है, अभिनंदनीय है। आप सब के साथ अपनी संवेदना को ही व्यक्त करने के लिए मैं और हमारे सभी पदाधिकारी यहाँ पर आपके बीच में आए हैं। मंच पर हैं पूर्व मंत्री श्री राजेश त्रिपाठी जी, महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष श्रीमती अस्मिता चंद जी, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री सबल सिंह जी, और भी मंच पर हमारे तमाम पदाधिकारी बैठे हुए हैं। बाढ़ पिछले 15 दिनों से आप देख रहे होंगे कि मूसलाधार बारिश पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी है और नेपाल में भी है। इसके कारण भारी पैमाने पर पानी आया है। हौर नदी अपने खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। अभी मैं पूरे गोला तहसील के उन सभी गांवों का सर्वे करके यहां पर आया हूं। मैं पिछले कई दिनों से बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज होते हुए कल दोपहर में ही गोरखपुर आया हूं, और गोपर दोपहर के बाद से ही लगातार गोरखपुर के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में हम लोगों ने जाके देखा है। लगभग 304 गांव गोरखपुर के ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में आए हैं, और अकेले आपके इस तहसील के, अगर हम लोग गोला तहसील के ही देखेंगे तो यहाँ के 71 राजस्व गांव और लगभग 62,000 की आबादी बाढ़ से, इस बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित हुई है। गोरखपुर जिले के अंदर 2.25 लाख से अधिक की आबादी यानी 2,26,000 से अधिक लोग इस बाढ़ की विभीषिका के कारण प्रभावित हुए हैं।
प्रशासन ने पहले ही शासन के निर्देश पर बचाव और राहत के उपाय किए थे, जैसे 405 नाव और 50 स्टीमर अब तक यहाँ पर लगाई हैं। अभी हम लोग स्टीमर की संख्या बढ़ा रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट, इन सभी को बचाव और राहत कार्य के लिए लगाया गया है। प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि संसाधनों की कोई कमी नहीं है, हर पीड़ित परिवार तक शासन की राहत सामग्री प्राप्त होनी चाहिए, हर बाढ़ पीड़ित को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न मिलना चाहिए। खाद्यान्न की मात्रा भी पर्याप्त मात्रा में दी जा रही है, बैग आपके सामने है, आप देख रहे होंगे। ये खाद्यान्न पहले इस रूप में नहीं मिल पाता था और इस बार एक व्यवस्था बनाई गई है, हर पीड़ित व्यक्ति को एक बार में 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, चना, लाई, दाल, रिफाइंड तेल, नमक, मसाले, ये सभी उपलब्ध करवाने के साथ ही बरसाती भी उपलब्ध कराएं, पानी पीने की व्यवस्था भी उनके लिए हो, जहां पे पानी घर घर में संभव न हो पाए तो क्लोरीन की टैबलेट देकर के लोगों को जागरूक किया जाए, बरसाती पानी न पिए, पानी गर्म करके पिए, गर्म करके पीने के साथ छानने के बाद पानी पिएंगे तो डायरिया, हैजा आदि नहीं होगा। पहले से ही व्यवस्था की गई है कि अगर बाढ़ की चपेट के कारण किसी की दुखद मौत होती है तो उस परिवार को, पीड़ित परिवार को तत्काल 4 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवा दें। किसी का मकान बाढ़ की चपेट में आता है, पक्का मकान है, आपदा के कारण गिर गया है, उसको तत्काल धनराशि 95,000 रुपए की राशि तत्काल उपलब्ध करवा दें। जहां पर किसी भी पीड़ित परिवार का आवास नदी में विलीन हो गया है, वहां पर उन सभी परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास और जमीन नहीं तो जमीन का पट्टा भी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था कर दें। पशुधन की हानि पर भी, भैंस है, गाय है, बकरी है, इन सब की हानि पर भी आपदा राहत मद से तत्काल उन्हें धनराशि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो जाए। बरसात के पानी के कारण या जल जमाव के कारण या बाढ़ के कारण सांप, बिच्छू, अन्य जहरीले जीवों से, आवारा कुत्तों से, जंगली जीवों से भी खतरा रहता है, उनके काटने का भय रहता है। इसके लिए पहले से ही एंटी स्नेक वेनम और साथ ही साथ एंटी रेबीज वैक्सीन भी हर एक जगह भेजी गई है, जिससे हर एक व्यक्ति की जान बचाई जा सके, कोई भी इस प्रकार की स्थिति किसी के सामने न पैदा हो, पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं और भी संसाधन इसके लिए भेजे जा रहे हैं। लेकिन आपदा है, धैर्य पूर्वक इसका सामना करना पड़ेगा और आगे से बचाव के रास्ते भी इसके लिए ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक अस्थाई समाधान नहीं होगा बाढ़ की समस्या आएगी। और इस बार तो 15 दिन तक लगातार बारिश हुई है, मैं देख रहा हूं कि लगभग राप्ती नदी में, सरयू में जल का स्तर पिछले 50 वर्षों में इतना ज्यादा, गोरखपुर में देख रहा था राप्ती नदी खतरे के लेवल से 2.5 से 3 मीटर ऊपर बह रही थी, बड़े क्षेत्र में वहां पर जल प्लावन की स्थिति पैदा हुई। लेकिन जनप्रतिनिधियों के साथ जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, राजस्व के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, अन्य विभागों के सभी अधिकारी कर्मचारी युद्ध स्तर पर बचाव राहत कार्य के लिए लगे हुए हैं। इस तहसील में हम लोगों ने बाढ़ बचाव के लिए पहले ही 11 करोड़ रुपए की उन परियोजनाओं को पूरा किया है, जिसने तटबंधों को बचाने में तो मदद की, लेकिन अभी इसमें और भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। सिंचाई विभाग अभी से इसका अवलोकन करेगा कि भविष्य के लिए
क्या कार्य योजना इसमें बनाई जा सकती है जिससे लोगों को अधिक से अधिक रूप से इन सभी कार्यों में राहत दी जा सके। इसके साथ ही यह भी व्यवस्था की जाएगी कि आने वाले समय में नदियों की ड्रेजिंग के माध्यम से चैनलाइज करना, नदियों की गहराई करना, जिससे नदी अपने सामान्य जो उसका राह है उसी के साथ वह आगे बढ़ सके। और इस पर हम लोगों ने बहुत सारी जगह जो कार्य किए उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं। बचाव राहत के सभी कार्य प्रारंभ करने होंगे, बाढ़ के बाद भी और सावधानी बरतनी पड़ेगी। कोरोना महामारी के दौरान जैसे निगरानी समितियों ने बहुत अच्छा कार्य किया, घर घर स्क्रीनिंग जाके करना, हर संदिग्ध व्यक्ति को जिसको बुखार है या कोई भी ऐसी पीड़ा है उस व्यक्ति को तत्काल टेस्ट कराना, कोरोना पॉजिटिव को हॉस्पिटल ले जाना या होम आइसोलेशन में ले जाने की व्यवस्था करना, ये सभी कार्य किए गए थे। ऐसे ही हमें बाढ़ के बाद जो पानी जैसे कम होगा उस समय सावधानी बरतनी पड़ेगी और इसके लिए आज से लेकर के 12 सितंबर तक एक विशेष अभियान चला रहे हैं जिसमें स्वास्थ्य विभाग, ग्राम्य विकास और पंचायती राज, नगर विकास और अन्य सभी संबंधित विभाग मिलकर के कार्यक्रम चलाएंगे जिसमें स्वच्छता को, सैनिटाइजेशन को, छिड़काव, फॉगिंग, ये सभी के लिए सभी विभाग कार्य करेंगे, पंचायतें काम करेंगी, क्षेत्र पंचायतें काम करेंगी, जिससे मस्तिष्क ज्वर, डेंगू, मलेरिया, कालाजार, चिकनगुनिया, इन सभी बीमारियों से ही बचा जा सके। आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ये कामना हमारी है। आने वाले पर्व और त्योहारों के लिए एक नया उमंग आपके पास आ सके। फसल, बहुत सारे क्षेत्र में फसल को भी भारी नुकसान पहुंचा है, इसके सर्वे के भी आदेश दिए गए हैं और सर्वे प्राप्त होने के साथ ही उसका मुआवजा भी प्रत्येक किसान के खाते में उसे उपलब्ध होगा, ये व्यवस्था भी सरकार करेगी। एक बार फिर से आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए आप सबके प्रति, सभी पीड़ित जनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।